हमें लड़का पसंद है। तो अब हम मैं जाऊंगी और देखूंगी बाबी तू कैसी है। जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी ना उसके घर वालों से वो उतना ही प्यार करना चाहिए जितना तुम अपनी फैमिली से करते हो। अगर आप रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं ना, आपको कैसी लड़की चाहिए? आपको हाउसवाइफ चाहिए, जॉब करने वाली लड़की चाहिए, या बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की लड़की चाहिए, या बहुत ही पेंडू स्टाइल की लड़की चाहिए, या फिर लड़की लड़की चाहिए, या बहुत ही मासूम लड़की चाहिए, या बहुत ही लविंग वाली लड़की चाहिए, लव करने वाली, प्यार मोहब्बत वाली। सबसे प्यार करेंगे हम, सबके साथ मिलके रहे, हम भी उससे बड़ा प्यार करेंगे। उस टाइम तुम गलत हो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मैं सच का साथ देती हूँ। एक खुशखबरी बिलाल का जो रिश्ता है वो हुआ है कि नहीं हुआ, लड़की वालों से पसंद किया है कि नहीं किया। तो आयशा खुशखबरी लेके आई है, रैंडमली ये वीडियो अब बनेगी, शूट होगी, कुछ पता नहीं था। तो आपने शूट करी थी, अचानक से आपने आई हुई थी। तो मैं अचानक से शूट करने आई थी, मुझे आयशा ने बताया कि लड़की वालों का फोन आया है कि उन्होंने कहा है हमें लड़का पसंद है। कैसे हो सकता है कि बिलाल किसी को पसंद आए? लड़का पसंद है, लेकिन अब फाइन, अब ऐसा है, लड़का पसंद तो आ गया आपको, अब हम अपनी भाभी को पसंद करते हैं। भाभी मतलब जो भी भाभी होगी, लड़की होगी, उसको हम पसंद करते हैं कि करते हैं? आई थोड़ी रिश्ता कर देंगे। आप ना करेंगे पसंद, सबसे पहले इस बार आप लोग पसंद करेगी लड़की को। एक बार मैं पसंद करूंगी, क्योंकि जो मतलब होती है ना मैरिड बहनें, तो वही जाती है ना रिश्ता देखने, तो मैं ही जाऊंगी ना फिर बिलाल का रिश्ता देखना। तो फाइनली उन्होंने इनवाइट कर लिया है, तो अब हम मैं जाऊंगी और देखूंगी बाबी तू कैसी है। मजाक कर रही हूँ, जो भी होगी वो गुस्सा ना कर जाए कि ये तो बड़ी सख्त है। मैं सख्त नहीं हूँ, नंदे बड़ी बदनाम होती है, मैं सख्त नहीं हूँ। हम तो बहुत अच्छी नंद है। आप चुप रहे हैं, सामने वाला भी चुप रहे। मतलब मैं बताऊँ क्या बात है, आप ना उसके, अगर आप रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं ना, तो उसे पूछना, मतलब उसके साथ ऐसे पेश आए कि ना उसको आप कुछ कह सके, ना वो आगे से आपको कुछ कह सके। तो इसलिए आप खामोश रहें, खामोशी सबसे बेस्ट चीज होती है, यही रिस्पेक्ट होती है। हाँ, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप उसको अपने रिश्ते में रिस्पेक्ट देंगे ना, तो अगले में बंदा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। और वो लोग भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं दोनों। पीछे चुगलियां लग रही हो सामने, हम एक जो सामने वही बात कर रही हूँ, जो अंदर नहीं बात कर रहे हो। ये सीन बहुत लंबा हो गया, आप लड़की की, अब देखें अब उसके साथ क्या होता है। लेकिन नहीं, सॉरी, लड़कियों को पसंद करना बहुत मुश्किल होता है, तो घबराना नहीं चाहिए लड़कियों को। मैं तो लड़कियों की साइड पे हूँ, मैं भी लड़कियों की साइड पर हूँ, पर मजबूरी है मेरी कि बिलाल बहुत अच्छा है, मुझे थोड़ी थोड़ी बिलाल की तरफ भी हूँ इस बार। वैसे मुझे लड़के भी कोई पसंद नहीं है बाकी, पर बिलाल बहुत अच्छा अभी से, अभी से भाई के खिलाफ। लेकिन बहन आप जो भी है ना, मतलब जिन्होंने फोन किया, मैंने तो आपको देखा भी नहीं, ना आपकी फैमिली वालों को देखा है, जो भी है ना, आप बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है। कहूंगी आप बहुत लकी और बहुत खुशकिस्मत है, बस यही मेरे मुंह से निकले, क्योंकि एक बहन सच बता सकती है अपने भाई के बारे में, वो भी भाई जिसको खुद हमने पाला है। फिर आपको मिलते हैं, फिर आपसे बातें करके सबसे इंटरव्यू लेते हैं कि वो क्या कहेंगे, और लड़की को जब देखने जाएंगे उसमें क्या मतलब के बातें देखेंगे, क्या कहते हैं उसको हम, मुझे पता नहीं, मैं गलत ना बोल रहा हूँ। एक दिन में मैं तो भी पूछूंगी कोई सवाल जवाब, मुझे अच्छा नहीं, 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 नहीं
तो बस क्योंकि सब कुछ तो पता है लोगों को मेरे बारे में, पूछने की जरूरत नहीं है। लड़की बेचारी से कभी कुछ पूछना नहीं चाहिए, लड़की तो होती ही मासूम है, लड़के होते खतरनाक। चलो लड़के के घर वाले बता सकते हैं कि लड़का कैसा है, तो हम गारंटी देते हैं घर वालों को सब पता है उनका बेटा कैसा है, पर बताते भी कई लोग, पर हम बताएंगे हमारा बिलाल कैसा है और उसे गुस्सा कब आता क्यों आता है ये भी बताएंगे। तो चलिए इस रेसिपी खत्म करते हैं पहले, फिर उसके बाद सबसे इंटरव्यू लेते हैं, अपने बारे में पूछते हैं और लड़की से क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, मतलब डरने की जरूरत नहीं है वैसे ही एक। मैं बिलाल का अगर किसी से पूछना है ना तो मोमना भाभी से पूछे, वो बताएगी सबको कि बिलाल कैसा है। क्यों बहुत अच्छा है, मतलब उसको उससे जाकर पूछे वो मॉल के साथ और मोमना भाभी। अच्छा मतलब कि बहने वगैरह झूठ भी बोल सकती है? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल सकती मैं, आप कभी बोल सकती हूं, झूठ भी बोल सकती हूं, मेरा भाई बहुत अच्छा नहीं कोई झूठ बोलेगा। भाभी जो होती है ना वो सच बताती है, चुपके से उससे जाके पूछ लेकिन भाभी कैसे बताएंगी कैमरे के सामने, तो बता नहीं सकती, डरेंगी, मजाक करे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है खुलेआम है। पर मैं सच सच बताऊंगी, मैंने अली के बारे में बताया वो कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, सबके बारे में, तुम्हारे बारे में बताती हूँ, मणि के बारे में बताती हूँ, बिलाल के बारे में बताऊंगी कैसा है, बताया तो मैंने कितना अच्छा है। चले वीडियो बहुत लंबी होगी, पहला सीन इतना लंबा होगा आपने बोर हो जाना है, हम शूट करते हैं उसके बाद मिलते हैं। चले अनमोल की गाड़ी हो आप, खिलौनों के साथ खेल रही हो, चाचू आपकी शादी होने जा रही है। दादू ने कहा हाँ। क्या कहा दादू ने? आपकी शादी होने जा रही है। किसकी? चाचू की। क्या होने वाली है? शादी। शादी हाँ। शादी क्या होती है? अम्मा की शादी होती है ना, पापा की शादी होती है। अच्छे 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 किसकी होगी? चाचू की हाँ। किसके साथ होगी? चाची साथ हाँ। कौन चाची? वो मैंने देखी थी, वो देती देखी थी आपने हाँ। ओ मुझे भी दिखाओ कहाँ है, मैंने तो देखी ही नहीं। मैं भी मेरे पर्स में। पर्स में आपको पर्स में रखा हुआ है इसको, कहाँ हाँ। है दिखाओ। फोन करने लगी है उनको? नहीं। कहाँ है दिखाओ? देखो चची है। ये चची है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बैग है। अच्छा मोबाइल में पिक्चर देखी थी आपने हाँ। प्यारी थी हाँ। इतनी पहली थी हाँ। मुझे भी दिखाओ। तो हम लोग तो फैसला कर लेते हैं कि लड़की ढूंढ देते हैं और लड़की की शादी कर देती है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होता है लड़के का, लड़के से पूछना चाहिए कि लड़के को कैसी लड़की चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो उसने गुजारनी होती है ना, हम बहनों ने या माँ बाप ने और भाभियों वगैरह ने तो नहीं गुजारनी होती, ये लाइफ होती है मियाँ बीवी की, तो इसलिए लड़के से पूछना चाहिए कि लड़की कैसी होनी चाहिए और लड़की से भी पूछना चाहिए कि आपको लड़का कैसे चाहिए, कैसा होना चाहिए लड़का आपके लिए। तो चलिए मैं बिलाल से ये क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ, आज बिलाल के अंदर की भड़ास निकलेगी कि बिलाल क्या कहता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। और ये देखें मेरे मॉल की आज तबीयत ठीक नहीं है, तबियत ठीक नहीं है मेरी मॉल भी नहीं है ना, इसलिए आज मॉल चुप चुप है, मॉल को फीवर हुआ हुआ है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कैसी लड़की चाहिए, आपको हाउसवाइफ चाहिए, जॉब करने वाली लड़की चाहिए, या बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की लड़की चाहिए, या बहुत ही पेंडू स्टाइल की लड़की चाहिए, या फिर लड़की लड़की चाहिए, या बहुत ही मासूम लड़की चाहिए, या बहुत ही लविंग वाली लड़की चाहिए, लव करने वाली, प्यार मोहब्बत वाली। मैं यहाँ पे शादी कर दी है, मैं अभी मार्केट में थोड़ा आया हूँ, वहाँ पे सैंपल लगे हैं, लड़की चाहिए। नहीं वैसे होता ना इंसान के अंदर ख्याल, मुझे पता है कि आपके क्वेश्चन करने का तरीका पॉजिटिव है, मतलब कि लोग करते हैं ये, आपका मतलब आपका माइंड नहीं है ये, बस ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह के बंदा ऐसा सोचे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे भी अल्लाह ने नसीब में जो लिखा होता है वो मतलब उसको मिलता है। नहीं वैसे लड़के सोचते ना हम तो ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो ऐसी होगी होता है ना कभी कभार, ऐसी होते भी है वही ना, मतलब ये तो रीत है कि कहा जाता है कि जो सोचो वो नहीं मिलता। नहीं अगर आपका अमाल अच्छे हो तो फिर आपको जरूर मिलता है। अच्छा ठीक है, और रंग कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, सांवला होना चाहिए? अपनी तरफ से ये नहीं कह रही, वैसे ये दुनिया जैसे पूछ रही है वैसे क्वेश्चन कह रही है, आमना की नेचर ऐसे नहीं, आई नो अल्लाह माफ करे मुझे बदनाम करने के लिए। नहीं नहीं बात तो वही है ना कि कोई इंसान ऐसे सोचना चाहिए नहीं है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रंग रंग शक्ल चीजें ये हमेशा नहीं रहती, ठीक सही बात, इंसान का दिल है ना मर से दम तक वैसा ही रहता है, कहते हैं उसकी दिल उसका सीरत अच्छी नहीं चाहिए, कहते हैं कि सूरत पे नहीं जाना चाहिए उसकी सीरत पे जाना चाहिए, दिल कैसा है सीरत पे जाना चाहिए, सूरत भी देखनी चाहिए उसका मतलब है सीरत पर जाना चाहिए, तो बस वो इंसान की अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो वक्ती तौर पर होती हैं, खत्म हो जाती हैं।
अगर आप इंसान अच्छे दिल वाला है तो उसके मुकाबले में तलीम, खूबसूरती, दौलत, ये सब चीज़ें जो है ना नीचे हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि इंसान का समझने वाला होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए एक दूसरे। इसका मतलब ये कि बिलाल ने कोई ख्वाब नहीं देखे कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए ऐसी चाहिए, बिलाल को जैसी मर्जी लड़की चल जाएगी, इसका मतलब तैयार है हम फिर बैंड बाजे के लिए। रिस्पेक्ट मतलब के नेचर अच्छी हो, रिस्पेक्ट करे, ख्याल रखे, ये चीजें होनी चाहिए। बाकी चीजें सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखे कि फैमिली का भी सबका रखे, लेकिन जो मेन उसका फर्ज है वो हस्बैंड का ही होता है ना, जो इस्लामिक वो है, जो हुक्म है अल्लाह ताला का, जो भी है हस्बैंड का ज्यादातर। बाकी सबकी रिस्पेक्ट करे, ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता कि वो सबका जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले। लेकिन ये भी तो इसका मतलब बिलाल आपको रिश्ता कबूल है अगर उनको हमें लड़की पसंद आ गई। नहीं कभी कबूल है, मुझे क्या पता उसकी नेचर कैसी है। जरा ठीक नहीं होती तो कह रहे हो उसकी उससे, अच्छा नेचर का पता चल जाएगा मिलके उससे क्वेश्चन करूं से बात करूं। बट मैं बताऊं कभी पता चल सकता है नेचर का, शादी के बाद पता चलेगा। नहीं मुझे पता चल जाता है। अच्छा हम भी मुझे पता चल जाएगा। तो इन्होंने मुझसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए, अब इनकी बारी है, ये इन्होंने जानना है क्योंकि मैं तो लड़का, मैं तो किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, चाहे मैं बैठ जाऊंगा इधर उधर बैठ जाऊंगा, लेकिन ये क्या क्वेश्चन करेंगी, इनको मैं पहले तैयार करके रख लेता हूँ। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या पूछेंगी लड़की से। हाँ जी आमना बताएं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो पहली भाभी है ना, मोमिना भाभी, उनका रिश्ता तो हम लेने नहीं गए थे, वो खुद ही आ गया, मतलब खुद ही हो गया था रिश्ता। वो तो हमारी कज़न थी, पता ही नहीं चला था खुद ही रिश्ता हो गया ना, मैं कभी किसी भाभी को देखने गई हूँ रिश्ते के लिए, अली भाई की फर्स्ट उनका रिश्ता था, वो एकदम हो गया। देखिए मैं जानती थी वो बहुत मासूम है, बहुत नहीं है। जानती तो मैं थी, लेकिन जानती तो उनको थी, ये है कि कभी किसी को किसी का रिश्ता देखने लड़की देखने नहीं कभी गई मैं, पहली बात ये है। और फर्स्ट टाइम मैं लड़की देखने जाऊंगी तो मैं तो बस यही कहूंगी, अगर लड़का लड़के को लड़की पसंद है तो बस, और हमें क्या चाहिए। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जाके मैं अकेला चला जाता हूं। होता है ना कि सबको दिखानी होती है कि ये भाभी है ये भाई है, ऐसे करके दिखाना। बिलाल ने हास कर आमना को वो दिखानी है, बिलाल मुझे दिखानी है, पता नहीं मुझे, बिलाल मुझे यही कहता था कि जब भी मेरा कोई रिश्ता होगा ना तो आमना लाजमी जाएगी पहले देखने। चले अल्लाह टाइम ले गया, अच्छा सा मैं जाऊँ देखने के लिए, ठीक ठाक हो सब कुछ। आमना बताएगी आपको उनसे पसंद आई कि नहीं आई, क्योंकि आमना को आमना की मेरी मोल आज बहुत बीमार लग रही है, पता नहीं इसको क्या है, तंग कर रही है। और पूछिए फिर बिलाल आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं। अनमोल क्या हो रहा है? चाचू आपकी शादी है। तो बस मैं ही दुआ करूंगी कि आप जो लड़की हो अच्छी हो और बिलाल के जिंदगी में और ज्यादा खुशियां लेके आए, और बिलाल की जो मतलब जिंदगी है ना खुशियों से फूलों से बढ़ जाए। ठीक है थैंक यू। अब आयशा से पूछते हैं। और एक और बात लड़की को कुछ, लड़की को मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो भी लड़की है उसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इंसान जो बंदा अपनी बहनों और अपनी माँ से प्यार करता है और अपनी रिस्पेक्ट करता है और उनकी कहीं भी एक बात मतलब चीज मांग मतलब कोई भी चीज उनसे मुंह से निकली हुई कोई बात हो उसको पूरा करता है ना, उससे बेस्ट बंदा आपको लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। तो मैं ये आपको कहूंगी, आप जो भी है ना तो आप बहुत खुशकिस्मत है, बहुत ज्यादा लकी है कि आपको बिलाल के जैसा बिलाल के जैसा लड़का मिला और जीवन साथी मिला जिंदगी भर के लिए, उसका साथ देना, उसका मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना, वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगा, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे ना तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो ये उसकी नेचर ऐसी है, जैसे मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ वो बदले में मुझे रिस्पेक्ट देता है। तो आप ऐसे उसके साथ रहना और आपकी जिंदगी खुशियों से बढ़ेगी और वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बहुत अच्छा। जरूरी नहीं मैं उसकी बहन हूँ, अगर मैं गैर भी होती ना, अगर मैं उसके साथ काम भी करती होती ना तो मुझे पता चल जाना था कि वो कैसा इंसान है। मेरा मतलब ये कहना चाहिए था कि मैं उसकी बहन हूँ इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। यही कह रही हूँ ना कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं इसे तारीफ नहीं करती, आम इंसान होकर भी मैं उसकी तारीफ कर सकती हूँ कि वो जितना अच्छा मैंने उसके साथ एक काम किया। जब हम काम करते हैं ना तो उस टाइम हम बहन भाई नहीं होते, हम होते हैं सिर्फ जॉब करने वाले, मैं वो मेरा सर होता है और मैं उसकी स्टूडेंट होती हूँ, समझ एक जॉब करने वाली होती हूँ उसके साथ, कुलीग होती हूँ उसकी, ठीक है। तो कुलीग की तरह हम काम करते हैं, तो जॉब उससे पता चल जाता है, वो मुझ पर गुस्सा भी कर लेता है तो कोई बात नहीं, वो जायज़ होता है उसका गुस्सा कि वो कैसे मुझ पर पेश आता है, गुस्से से मुझ पर मेरे साथ पेश आता है क्योंकि मेरी गलती होती है। जब मेरी गलती नहीं होती तो मैं भी गुस्सा करती हूँ, तो उससे भी पता होता है कि मेरी आमना की गलती नहीं है कि मेरी गलती है, तो हम फिर हैंडल कर लेते हैं सब कुछ, हो जाता है दोनों की कभी गलती होती ही नहीं। हाँ तो बस अगर आप किसी के साथ काम करते हो ना तो आप अगर काम करो ना तो काम करते करते ही आपको पता चल जाता है वो इंसान कैसा है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगी, आप जो भी हो जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी अगर आप बिलाल के साथ जिंदगी गुजारेंगी, उसके मतलब
ये नहीं कि आप उसका कहना मानोगे वो आपका कहना नहीं मानेगा, ऐसा नहीं। अगर आप उसका कहना मानोगे तो वो भी आपका कहना मानेगा। लाइफ ऐसे ही चलती है, मियां बीवी का जो साथ होता है ना ऐसे ही चलता है। अगर आप उसका कहना मानो वो भी आपका कहना माने तो जिंदगी खुशहाल गुजरती है, वरना फिर जिंदगी ना डगमगा जाती है। अब ये नहीं कि लड़की कहना मानती रहे। हाँ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लड़की पे ही छुकम चलाओ रोब चलाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी खुशहाल गुजारनी है तो मियां बीवी दोनों मिलके ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे होंगे ना, मतलब अलग अलग होंगे, तो वो फिर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगी, आप मेरी भारी है। हाँ, बस कुछ बातें हैं जो आमदा ने बताई, मैं अपना आप बताएं, मैं चलती हूँ। मेरी बुराइयां भी बता दो ना थोड़ी सी। हाँ, बिलाल की बुराई कोई भी नहीं है, बिलाल मुझे पता क्या बुराई, मैं बताती हूँ। आयशा बताएगी, आयशा सच बोलती है। आमदा ने कहा है कि बिलाल है वो, मैं भी ये कहती हूँ। एक बात मुझे पर याद आ गई, बिलाल जो है ना, सॉरी मैंने तुम्हारी बात काटी, कोई बात नहीं। बिलाल की एक बात बुरी है, बिलाल को ना ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद, मैं आपको बता दूं। वो ना ज्यादा खामोशी पसंद करता है, खामोश रहना। मतलब ऐसा बात है, मतलब ये नहीं ये नहीं कह रही मैं, बोलता तो वो भी है, लेकिन ये है कि ज्यादा जो होता है ना हर वक्त बड़बड़ करते जाए, काम कर रहा हो ना, काम करते वक्त उसको बड़बड़ नहीं पसंद। कि वो कोई बैठा और काम कर रहा हो बड़बड़, उससे काम नहीं होगा, उसका दिमाग ना फिर कहीं और चला जाता। मैं बताती हूँ, उस टाइम उसको बहुत गुस्सा आता है। मैं बताती हूँ, मैं इधर जाने की जल्दी नहीं है। जैसे आमदा ने कहा है कि बिलाल अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करता है और बहनों की करता है, बचपन से। वो जब वो बड़ा होना शुरू हुआ था ना, थोड़ा सा जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो हमें नजर आने शुरू हो गया था कि वो कितना प्यार करता है हमसे, खुद हमसे बात करना, उसने अपनी चीजें शेयर करना। वैसे भाई होते वो नहीं शेयर करते बहनों के साथ, तो खुद आता था हमारे पास चल के, आमना मुझे ये चाहिए, आयशा मुझे ये चाहिए। मतलब उसकी जो च्वाइस ना हमारे साथ मिलती थी, हमने लड़का भी हो सकता है। एक बात और, लोग मैं ऐसी बात करना चाहूंगी, लोग कुछ लोग होते हैं हंसते हैं कहते हैं ये बहनों वाला है। हाँ। तो आप लोग कितने पागल है, अगर वो बहनों वाला है ना तो वो बीवी के साथ कैसा पेश आएगा। लोग समझते हैं ये बहनों वाला है तो इसके साथ कोई लड़की रह नहीं सकेगी, मुश्किल होगी। कितना लकी है, लेकिन वो कितनी लकी होगी, वो कितना लकी है कि उसकी बहनें उससे प्यार करती है, वरना बहनें कहां भाई से प्यार करती है और भाई बहनों से कहां प्यार करती है। बहुत आजकल का जमाना है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, बहनें मतलब लड़ाइयां डाल देती है। तो बताओ फिर, तुम अच्छे हो, साइड दोनों अच्छी है, हम दोनों अच्छे हैं। अगर अपने आप को कैसे अच्छा कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए। खुद ही तो कह रहे हैं लड़की बहनें लड़ाई डालने वाली होती है। नहीं नहीं, जाहिर अक्सर देखने में आता है कुछ भाई होते हैं बहनों से प्यार करते हैं, तो वो फिर ना बहनों नहीं बहनों को भी छोड़ नहीं सकते, फिर भी लड़ाई। लेकिन हमारा वो छिंदों वाला प्यार नहीं है, ये बात सोच लेना, छिंदों मिंदों वाला प्यार नहीं है जो भाई हमें उसने ये कह दिया तो भाई मारने चला जाए बहन, ऐसा तो है, ऐसा वैसा प्यार नहीं है। पर हम करते हैं, मगर उससे प्यार कर सकेगा कुछ के हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिलाल ऐसा नहीं है, वो छोटा है ना, हम बड़ी हैं तो वो छोटा है तो हम बड़े हैं तो इस वजह से। लेकिन वो होता है ना, कई भाई कई बहन भाइयों का प्यार होता है भाभी को ना जान के, वो होता है ना लड़ाई करवाने के बाद, ये ना सिखाता बड़ा, मतलब समझाता बहुत है, कोई बात हो ना बैठ जाएगा समझाने तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हें बात बात को लेके, ये ऐसे है ये ऐसे तो वो ऐसे, इसमें ऐसे होता है, इसको ऐसे करना चाहिए, ये बात वो जानबूझ के कर रहा होता है, ऐसा जानबूझ के नहीं है, आदत है वो, आदत चेंज कर दूंगा मैं। बचपन में कुछ चीज ने कभी जिद नहीं की, जिद नहीं, अगर ये आदत है ऐसे ऐसे इसमें कोई एक चीज को लेके ना उसकी 100 पता नहीं 200 करोड़ बातें कर लेनी इस बारे में, ये ऐसे होना चाहिए, रिसर्च कर देनी पूरी, निकाल देनी। मानती ऐसा, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, उसने बिल्कुल ठीक है, उसने मेरे साथ काम किया हुआ है ना। बच्चे शरारत करते हैं, जब लाल छोटा था, मैं बताती हूँ कि सारा तंग नहीं करता था, बिल्कुल शरारत थी उसके अंदर, खामोश तबीयत थी, और अपने पॉकेट मनी के पैसे से कभी वेस्ट नहीं करता था ना, पता तुम्हें, जब अम्मी को कभी जरूरत पड़ी जाती थी ना तो उसके पास निकलते थे, हम हैरान थे। मतलब बचपन से वो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता था जब छोटा होता था, जरूरी नहीं कि जब उसने काम। और मैं बचपन की कहानी बता रही थी ना, तुम्हें याद होगा, मैं बताती हूँ, तुम छोटी थी ना, कि ना बिल्कुल जिद्दी नहीं था, मतलब शरारती, अली बहुत शरारती था बचपन में, तंग करना, खेलना, क्या करूँ, झूठ हम बोल नहीं सकती मैं, और बिलाल कभी शरारत नहीं की, इतना खामोश तबीयत का था, आवाज नहीं होती, जहाँ बैठ जाता है आवाज नहीं करती। एक्सप्लेन तो करता हूँ ना, आमना ने सही बताया, वो तो अब शुरू हुआ ना बचपन की बात, आमना और तुम्हें पता है इसकी एक और आदत थी, ये बहुत अच्छा था, हर बात मानता था। और एक आदत उसकी कि बचपन से पॉकेट मनी में पैसे जमा करता था, जो मिलते थे ना स्कूल के, जब इसने मैट्रिक करने से पहले इसने पैसे जमा किए थे, तो हम हैरान होते थे, अम्मी कितना अच्छा, शुरू से उसके पास सब कुछ था, खुद ही ना भी कोई जॉब की ना कुछ, सब कुछ उसके पास होता था और हमारी हेल्प करता था। और जब वो 16 साल का हुआ था तब भी मैट्रिक किया, लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं पता नहीं कुछ और चीजों के लिए, पर उसने सीखा सोशल मीडिया से, ऐसा बच्चा था वो, और उसने सीख के वो किया,
सबको हैरान कर दिया। YouTube तो बाद में आई थी, पहले भी बहुत कुछ कर चुका था ऑनलाइन काम, बहुत अच्छा उसने सीखा। घर में बैठ के कंप्यूटर में उसने फजूल काम नहीं किए, पर उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लड़का अपनी माँ की और बहनों की इज्जत करता है, कुछ भी चाहिए हो, अपनी ख्वाहिशों कभी नहीं सोचा उसने, हमेशा जो हमने मांगा उसने दिया, ये बात है ना अपना। उसने ये नहीं देखा कि ये मैं को पैसे खर्च करूं, जितना अल्लाह उसको दिया, पर उसने ये नहीं कहा हाय मैं को किसी को दूं मेरा काम हो जाएगा। उसने देता गया सबको और अल्लाह से और देता गया, ये उसने कभी कंजूसी नहीं की। ये बात मुझे उसकी पसंद है। मैंने कहा कई लोगों के लड़कों के बारे में जितना मर्जी मिली हो जाए, पर बिलाल ऐसा दिल नहीं हो सकता। तो क्यों, उसने ये नहीं सोचा मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं इसको दे रहा हूँ ज्यादा, ये खत्म हो जाएगा, कभी नहीं सोचा। आज भी उसने ऐसा कभी नहीं सोचा, बहुत बड़ा दिल है उसका। बस इतना ही कहना चाहेंगे, आगे आप बिलाल बाकियों से पूछिएगा कि बाकी सारे आपको क्या टिप्स देते हैं और आपके बारे में क्या कहते हैं। और दिल की बात मान लीजिए, मैं भी यही कहूंगी, बिलाल कभी इधर उधर की बात सुने ना, हमेशा अपने दिल की सुनना, ठीक है। और कभी भी बात को ना ये गलत फहमी तुम्हें नहीं होनी चाहिए, मतलब पूरा सोच के फिर किसी पे कभी कुछ करना ना बुरा, किसी को फोड़ और एकदम से किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए लड़की की। कुछ लड़के होते हैं एकदम से बेइज्जती करना शुरू हो जाते हैं लड़की की, सोचे समझे पर पूरी तय लगा के ना बातों की फिर किया करो। मैं तुम्हें हमेशा ही सिखाया कभी किसी पर ना एकदम से नहीं करते कुछ भी। मैंने कब कही है? वैसे मैं कह रही आइंदा जिंदगी में कह रही। और एक और बात तुम्हें बताऊंगी, आप ना कहना भूल गई है कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी ना उसके घर वालों से वो उतना ही प्यार करना चाहिए जितना तुम अपनी फैमिली से करते हो, ठीक है? सही सही। तो फिर तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, यही मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जिस वो लड़की जो तुम्हारी बीवी होगी ना, अगर वो किसी से प्यार करती है ना अपने बहन भाइयों से, तुमने उनको अपना बहन भाई समझना है। ये नहीं कि तुम जब शादी करो समझो सारी फैमिली तुम्हारी है, ठीक है? लड़के जैसे आप लोगों से करते हैं, हाँ उनसे जैसे करना है, क्योंकि मैं तो ही चाहती हूँ। अच्छा, और जो लड़की है वो भी अपने जैसे करती है? लड़की आमला चलेगी, पर आमला को आमला के आमला भी बहुत कुछ बोलना था। मैं ये कहने लड़की भी, मैं तो हमेशा आमला की जगह देती हूँ सबको। अच्छा, तो अगर लड़की भी वैसे प्यार करे सब घर वालों के साथ, मैं कहती हूँ इससे अच्छी जिंदगी नहीं गुजर सकती। नहीं, दोनों में से एक बंदा ना, अगर एक बंदा भी ऐसा ना होगा ना फिर लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। यानी कि दोनों को ऐसा चाहिए कि दोनों फैमिलीज को अपना समझे, अपना समझे, ठीक है? और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि फलाना हमसे कम है या ज्यादा है, बराबर प्यार करना चाहिए, यानी कि बराबर सोचना चाहिए सब बराबर। तो एक और बात, अगर जिससे भी तुम्हारी शादी, अगर उस टाइम तुम गलत हुए, मैं तुम्हें कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मैं सच का साथ देती हूँ। अगर उस मैं लड़की का साथ देती हूँ, मम्मी भाभी का साथ देती हूँ हमेशा, क्योंकि लड़की हमेशा ठीक होती है। लड़की गलत है, उम्मीद में ही करती हूँ कि तुम भी ठीक हो ना, ठीक है? गलती कभी ना करना प्लीज। सही, बस क्या गलती क्या होती है, मतलब कभी उसके साथ जबरदस्ती ना करना। किस चीज में जबरदस्ती? मतलब कोई होते हैं ना कि ये ना करो तो वो ना करो, जो कहे वो करना। हाँ, तो जो अगर ठीक हो, अच्छा अगर मैं जो कहूँ वो ना करे फिर? मतलब क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता। वैसे सवाल का आ ना, मेरा मतलब है जैसे तुम हमारे साथ रहते हो वैसे उसके साथ करना। ये नहीं कि बहनों के साथ औरतें और बीवी के साथ, और बहनों के साथ आजादी और बीवी के साथ जुल्म करना, नहीं ऐसे कैसे करो। जो हमने तुमने सहूलियत दी ना वैसे उसको भी देना आजादी, कैसे कभी? मतलब जैसे तुमने आमना को सपोर्ट किया, मुझे ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं उसके साथ उसको कहूँ नहीं ऐसे? लड़के का मतलब बदल जाते हैं भाई के खिलाफ, भाई के खिलाफ इसलिए क्योंकि मैं लड़कों के खिलाफ हूँ, भाई के नहीं खिलाफ, पर तुम थोड़े से तो लड़के हो जो मुझे अच्छे लगते हो, बाकी मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा लगता है कि तुम्हें थोड़े से साथ तुम्हें भी गुस्सा आता है, सारे लड़के गुस्सा आता है, पर तुम्हें थोड़ी सी क्वालिटीज हैं जिस वजह से तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो अब रह गए हैं दो लोग जिनसे पूछते हैं हम जाके, तो वो हैं मोमिना भाभी और मरियम सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। अनमोल से तो आपने पूछ ही लिया अभी थोड़ी देर पहले। आपकी शादी है? शादी नहीं है अभी तो। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो आप बहुत से लोगों को वेट था कि बिलाल भाई आपको देखने आए थे क्या, हाँ तो वो उन्होंने कहा है कि आप लोग भी हमें देखने आ सकते हो, अब लड़की को परमिशन मिल गई है तो आप लोगों ने तो बारी, खैर मुबारक, अभी आप लोगों ने जानना है, अब आप लोगों की बारी है परमिशन लेने की। तो आप बताएं फिर, सब ने बताया कि क्या बताना? क्या देखूंगी मैं? यही देखूंगी कि बस उसकी नेचर अच्छी हो और सबके साथ प्यार से रहे, खुश रहे बस। तो मैं चाहूंगी कि जो लड़की है ना वो बिलाल से प्यार करे और बिलाल उस लड़की से प्यार करे, दोनों भी अभी आपस में खुश रहे। तो जो बात लड़के ऐसे होते हैं कि वो घर वालों की बातों में आ जाते हैं तो ऐसी लड़ाई पड़ जाती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बॉयज के लिए एक मैसेज है कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई किसी की बातों में आ जाता है तो बहुत से लोगों के घर टूट जाते हैं। तो आज सब सुन लें कि
कि दोनों मियां बीवी का अपना मसला हो तो दोनों को हल कर लेना चाहिए, किसी तीसरे को बीच में नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये है कि दोनों मियां बीवी खुश रहे, बस। नहीं गुजरी हुई, क्योंकि अली जो है ना वो अपनी मर्जी करते हैं, वही मेरी सास, वही मेरी ससुर, वही मेरी नन, सब कुछ वो है, वही मेरा जेठ, वही मेरा देवर, सब कुछ। जो इंसान को सब कुछ मिल जाए वो लकी हो जाता है, किसी ना किसी में कोई कमी होती जरूर है। बस ये बात, कोई अच्छाई होती है, किसी की बुराई होती है, हमेशा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल नहीं मिलता, बस। लेकिन मेरी तो दुआ है कि जो भी हो आपके साथ रहे, खुश रहे, प्यार से रहे, सब कुछ खुशी खुशी से। बताएंगे बिलाल के बारे में कि 5 साल हो गए शादी हुई, वो कैसा है, क्या है, हर बात बुराई भी अच्छाई भी बतानी है। और पर मैं तो साथ में बताती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी तारीफ करती हूँ। आदत के भी वो बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं और बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। तो मैंने कहा था ना कि जिस बंदे से उसकी माँ, बहने और भाभी खुश हो वो कितना अच्छा होगा, तो उसकी वाइफ भी फिर उससे खुशी होगी। पर तो मैंने कभी नहीं सोचा कि वो मेरा देवर आई है, मैंने कभी देवर उनको समझा ये भाई समझा हमेशा। कभी कभी बिलाल का शूट होता है तो मुझे कहते हैं भैया तुमने भी नहीं बोलना, तुम चली जाओ यहाँ से, गुस्सा कर लिया। लेकिन इस बात में कभी गुस्सा नहीं किया, मतलब बहुत पेशेंस है बिलाल भाई में बहुत ज्यादा। और वो किसी गुस्सा किसी पे निकालना ऐसा भी नहीं उसकी आदत। और कभी थोड़ी लोग होते हैं बहुत जज्बाती होते हैं, रास्ते में कोई राश भी आ जाए गुस्सा करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, कभी नहीं किया उसने। और जिंदगी में उसे 2 बार गुस्सा, एक मामला हमें विश्वास पहले आया था, पर वो भी बेचारे के साथ जुल्म हुआ था, वो हमने किया था पहले। अच्छा वो मुझे नहीं पता। हाँ वो बुराई बताओ, बुराई है, किसी से नाराज हो जाए चुप हो जाते हैं, और अगर उनको मनाना हो तो खाने से मानते हैं, खाना कहा खाना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से मानने आ गया, उसे गुस्सा आता है, मैं सही कह रही हूँ, बड़े मुश्किल से मानता है, 2 दफे है। और जिंदगी में उस वो गुस्सा जायज भी था उसका जो आया हुआ, बस उसके अलावा कभी नहीं आता। सही बात है, वैसे आते ऐसे से कर ले 2 मिनट ठीक हो जाता है, हंस पड़ता है, कभी जल्दी सही हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो आपको कैसा इंसान पसंद है, जो रोज गुस्से में रहे या किसी कभी आए गुस्सा, कभी कभी गुस्सा आए, वो अच्छा है बंदा। अपने रंग उसके रंग में डाल चुकी हूँ, उसको केला छोड़ दो, बाकी हर आदमी ऐसे होता है की उसको उसके हाल पे छोड़ दो और चुप रहो, वो खुद ही ठीक हो जाता है, बस इतनी सी बात है। बहस करने का कोई फायदा नहीं होता आदमी के साथ। पर बिलाल की बात हो रहा है क्या, वो प्यार से मानने वाला है, बस उसको मतलब एक प्यार से मानने वाला है, खाने से ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है 5 साल में उसको खुश। मैं तो आपसे नाराज नहीं हुआ कभी, फिर कैसे मेरे से नाराज नहीं हुए, जब अपनी बहनों से आप लोग नाराज होते, मुझे याद है आपको भी नाराज होते थे आमना बाजी से, ये कर रही है, ये बीमार है और रो रही है, क्या हुआ। अच्छा आप अम्मी से पूछते हैं, अम्मी आप बताए, आप लड़की को देखने जाएंगी, आप तो माँ है मेरी, तो क्या आप देखना चाहेंगी, कैसी लड़की होगी, आप उसको मतलब पसंद करेंगी, जो भी है देखो, अब देखूंगी पता चलेगा, लेकिन मेरी दुआ तो यही है कि वो अच्छी हो, सबसे प्यार करे, हम सब के साथ मिल के रहे, हम भी उससे बड़ा प्यार करेंगे। और बिलाल जो है वो बहुत अच्छा है, मैं नहीं मानती कि दुनिया में कोई इतना अच्छा बेटा होगा किसी का या भाई होगा, और जिस तरह ये बेटा है या भाई है इसी तरह ये शोहर भी बन के दिखाए, आमीन माशाल्लाह, खुशहाल जिंदगी गुजारे और सब कुछ अच्छे तरीके से हो, और इसका टाइम आए शादी का और अपने घर वाला हो जाए। लेकिन मोरा बीमार है, चाचू के पास आ रहे बार बार, मुझसे कोई नहीं प्यार करता, क्या मुझसे कोई नहीं प्यार करता, किसने कहा, चाचू नहीं करता आपके साथ, अनमोल जैलिस होगी, सारे चाचू की तारीफ क्यों कर रहे हैं, नहीं 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 मोल है हमारी, हमारी बच्चा है, काका किससे प्यार करते हैं फिर सारे, किससे करते हैं, किससे करते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है बता भी दो ना, नेक्स्ट वीडियो क्या होनी है, नेक्स्ट वीडियो होनी है बिलाल के लड़की देखने जा रहे हैं हम। तो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बीमारी की हालत में भी इंस्टा फॉलो करें, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में पता
पता चल जाएगा कि लड़कियों में पसंद आई है कि नहीं आई। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो कहाँ आएगी आप देखेंगे। ये सरप्राइज है। अल्लाह हाफिज़।